सोनाली बेंद्रे ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अपने कैंसर से होने की बात बताई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सोनाली का हाई ग्रेड कैंसर है जो कि अब फोर्थ स्टेज में आ चुका है। सोनाली के लिए इस मुसीबत की घड़ी में बीटाओं से लेकर उनके फैंस तक हर कोई सोनाली के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। लेकिन सिर्फ सोनाली ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे भी हैं जिन्हें कैंसर अपनी चपेट में ले चुका है और कुछ तो अपनी जिंदगी की लड़ाई में हार भी चुके हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस बीमारी की वजह से ही अपनी जिंदगी खो दी। जानकारी के लिए बता दें कि वेटरन स्टार विनोद खन्ना का 70 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अप्रैल में निधन हो गया था। उन्हें ब्लैडर कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो काफी टाइम हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। इसके अलावा संजय दत्त की मां नरगिस को भी पेंडेटिक कैंसर था। उनको न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लॉन कैटरिंग कैंसर सेंटर में लंबा इलाज चला था। इसके बाद उन्हें वापस इंडिया भी लाया गया था लेकिन तबीयत दोबारा बिगड़ने की वजह से वो 2 मई 1981 को वो कोमा में चली गई थी और दूसरे ही दिन उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के अलविदा कह दिया था। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी कैंसर की चपेट में आ गए थे। काफी बीमार रहने के बाद 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने बंगले आशीर्वाद में आखिरी सांस ली। इन एक्टर्स के अलावा भी बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो इस भयानक बीमारी का शिकार हुए हैं। और अगर बात करें हाल ही में कैंसर की चपेट में आए स्टार की तो पहले इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह, फिर बॉलीवुड एक्टर इरफान खान और अब ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी इस बीमारी की चपेट में आ गई हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।